हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या देखेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकंड का सब्जेक्ट जो है सैन्य अध्ययन। क्या देखेंगे? सैन्य अध्ययन। ठीक है बच्चों, तो एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसका दिया हुआ है नीचे, लिंक पे जाके जो है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से भी पीडीएफ फाइल आप लोग डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लाते हैं आप लोग के लिए एकदम सटीक जो एग्जाम में पूछे वीवीआई क्वेश्चंस। ठीक है, बस इतना वीडियो को देख लेने की जरूरत है, पढ़ने उड़ने की कुछ जरूरत नहीं, बस वीडियो को देख लीजिए एक बार, बस देखने की जरूरत है, बस देखिए और टोटल एग्जाम को जो है आसानी से करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? यूनिट सेकेंड है। क्या है? यूनिट सेकेंड, सैन्य अध्ययन का यूनिट सेकेंड, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो वन नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना बहुत अच्छी बात, अच्छे तरीके से समझना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आचार्य कौटिल्य जो थे ने कितने प्रकार की सेनाओं का उल्लेख किया है? सेनाओं का जो उल्लेख किए थे आचार्य कौटिल, तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे आचार्य कौटिल। आचार्य कौटिल का नाम क्या है बच्चों? एक और नाम जो है वो क्या है बताइए? विष्णुगुप्त जो है आचार्य कौटिल्य का नाम है। आचार्य कौटिल्य का नाम जो है वो विष्णुगुप्त भी है। कौटिल्य कौन सी पुस्तक लिखे थे बताइए? अर्थशास्त्र। कौन लिखे थे? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो कौटिल्य लिखे हुए थे। ठीक है, आचार्य कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे और वो विष्णुगुप्त उनका नाम है। अब पूछ रहा है कि वो कितनी सेनाओं का उल्लेख किए हैं, सेनाएं जो थी वो कितने सेनाओं का उल्लेख आचार्य कौटिल्य ने किया हुआ, यही तो पूछ रहा है। देखिए यहाँ, दो टाइप की सेना का कि चार कि छः कि आठ, बताइए। तो ये हो जाएगा बच्चों छः टाइप की सेना का उल्लेख जो किए थे वो आचार्य कौटिल्य किए थे। चलते हैं आगे की ओर, देखिए दो नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में सेनापति को कितना वेतन दिया जाता था? कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य जो कुछ लिखे हुए हैं उनके अनुसार पूछ रहा है कि मौर्य सेना, और जो कौटिल्य थे बच्चों वो कौन सी साम्राज्य का भाग थे? मौर्य साम्राज्य में थे। कौन साम्राज्य में थे बच्चों? मौर्य वंश में थे। कौटिल्य जो थे वो मौर्य वंश के संरक्षक थे, मौर्य वंश के अर्थशास्त्री थे, या जो कहें। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कौटिल्य फिलोसफी, कौटिल्य का जो फिलोसफी है यूनिट सेकंड के अंतर्गत वही पढ़ेंगे हम लोग कि कौटिल्य फिलोसफी के अंतर्गत क्या क्या हुआ, उनके राज्य क्या थे, और मिलिट्री ऑर्गन्स सैन्य देखरेख सैन्य संगठन कौटिल्य के शासन में, कौटिल्य के देखरेख में क्या थे, यही पढ़ेंगे। वेपन्स उसके हथियार क्या थे कौटिल्य के। ठीक है, और पढ़ेंगे इंटेलिजेंस सिस्टम जैसे रॉ सीबीआई सीआईडी इस समय है ना, आईबी, तो उसी तरह जो है खुफिया तंत्र कौटिल्य की क्या थी, ये पढ़ेंगे यूनिट सेकंड के अंदर। क्या क्या पढ़ेंगे? इंटेलिजेंस ब्यूरो, और क्या पढ़ेंगे? आर्ट ऑफ वार, कला के अंतर्गत युद्ध किस प्रकार हुआ था। ठीक है, यूनिट सेकंड के अंदर कौटिल्य फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे, और मिलिट्री ऑर्गन्स क्या थे उनके, और वेपन्स, इंटेलिजेंस सिस्टम और आर्ट ऑफ वार, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यही चीज पढ़ेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या मैं बता रहा था बच्चों कि कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में सेनापति को कितना वेतन दिया जाता था, जो सेना का मेन सेनापति होता है, पूरी सेना का देख रेख करता, उसको वेतन कितना दिया जाता था, उनका वेतन क्या था सेनापति का, सेनापति का वेतन क्या था बच्चों बताइए? 40,000 पौंड प्रति वर्ष, 48,000 पौंड प्रति वर्ष, 50,000 पौंड प्रति वर्ष, 1,00,000 पौंड प्रति वर्ष। तो 48,000 पौंड प्रति वर्ष जो है सेना का वेतन दिया जाता था, कितना? 48,000 पौंड। आगे देखिए तीन नंबर, सिर अस्त्राण के किस अंग का सुरक्षात्मक कवच है,
जब उस समय लड़ाई लड़ी जाती थी बच्चों, तो सिर के लिए, पेट के लिए, छाती के लिए, पैर के लिए, सभी के लिए जैकेट होते थे, वो लगा लिया जाता था तब लड़ाई में। जैसे आज बुलेट प्रूफ जैकेट लगाते हैं ना हम लोग, तो उस समय भी लगाया जाता था, कहीं कोई अटैक ना कर दे, शरीर पे कोई हानि नहीं पहुंचे, इसी प्रकार की उस समय की सूट हुआ करती थी। सेना का युद्ध लड़ते समय सूट दिया जाता था, वो सूट पहनता था तब युद्ध लड़ता था, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि सिर अस्त्राण के किस अंग का सुरक्षात्मक कवच है, सिर अस्त्राण किस अंग का सुरक्षा, सब अंगों की सुरक्षा के लिए कवच दिया जाता था, वो किस अंग का सुरक्षा कवच है, सिर की सुरक्षा का, छाती की सुरक्षा का, हाथों की सुरक्षा का, जांघों की सुरक्षा का, सभी सुरक्षा के लिए दिया जाता था। तो सिर अस्त्राण था सिर की सुरक्षा के लिए, सिर की सुरक्षा के लिए था, ठीक है। आगे देखिए, सोमनाथ का संग्राम कब लड़ा गया, सोमनाथ का संग्राम जो है वो कब लड़ा गया, यही तो पूछ रहा है। तो ये देखिए, 1025 एडी में, 1024 एडी में, 1022 एडी में, 1026 एडी में सोमनाथ का संग्राम कब लड़ा गया था बच्चों, वो जो लड़ा गया था 1026 एडी में सोमनाथ का संग्राम लड़ा गया था। आगे देखिए, कपाटिक चर और तापस चर किस सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। कपाटिक चर, बहुत सारे चर हुआ करते थे सैन्य व्यवस्था में, सैन्य अध्ययन में पढ़ेंगे हम लोग कि बहुत सारे गुप्त संस्था भी हुआ करते थे, चर हुआ करते थे और इंटेलिजेंस हुआ करते थे, उसी प्रकार जो है यहाँ पे कपाटिक चर था और तापस चर था, वो किस सैन्य व्यवस्था से संबंधित था, यही ना पूछ रहा है कि कपाटिक चर और तापस चर किस सैन्य व्यवस्था से संबंधित थे, किस सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत थे, यही पूछ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ गुप्त काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, तो ये जो थे बच्चों मौर्य काल में थे, कपाटिक चर और कौन चर, तापस चर, कौन थे, मौर्य काल में। आगे देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे बच्चों कौटिल्य, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौन लिखा था, पूछ देगा क्वेश्चन, तो कौटिल्य थे। आगे क्वेश्चन मैंने पिछले भी बताया हुआ है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस काल में लिखा गया था, किस काल में था वो, वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, तो मैंने ये क्वेश्चन बता चुका है आप लोग को, हिंट लिंक दे दिया है। तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो लिखा गया था, कौटिल्य किस काल में हुआ करते थे, मौर्य काल में ना, तो मौर्य काल में ना लिखा जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो किस काल में लिखा जाएगा, मौर्य काल में, सिंपल बात है, कॉमन सेंस है। आगे देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में युद्ध समिति का सदस्य कौन होता था, युद्ध समिति का सदस्य पूछ रहा है बच्चों, सभी समिति के सदस्य बनाए जाते थे, समिति के सदस्य बनाए जाते थे, तो युद्ध समिति का सदस्य कौन होता था, सही, 7 नंबर क्वेश्चन जो है कौन होता था, सेनापति, युवराज, प्रधानमंत्री, ये सभी, तो ये सभी हो जाएंगे। युद्ध समिति, पूरे युद्ध का देख रेख कौन करेगा, प्रधानमंत्री करता था, सेनापति भी करता था और युवराज जो थे वो भी करते थे, ठीक है, तभी तो युद्ध लड़ा जाता था उन्हीं के नेतृत्व में। आगे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य ने सेना के किस विशेष कार्य पर बल दिया, किस विशेष कार्य पर बल दिया, सेना का वो कौन सा कार्य था जो विशेष बल के काबिल था, कौटिल्य के विशेष बल थे उस पर, क्या थे, विशेष बल, सेना को विशेष कार्य बल दिया जाता था, किस कार्य के अंतर्गत, कौटिल्य के रसद सामग्री, प्रशिक्षण, साजो सामान, संसाधन सुविधाएं, अरे बताइए, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जो है सेना का बहुत अच्छा दिया जाता था, कौटिल्य के देखरेख में ये अच्छी थी,
पटेल ने सेना को विशेष कार्य पर बल दिया, प्रशिक्षण पर, ट्रेनिंग पर, ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग पर जो है वो बल दिए। आगे देखिए नाइन नंबर क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौटिल्य ने सेना के संबंध में कौन सी विशिष्ट बात बताई है। सेना के संबंध में जो है कौटिल्य कौन सी विशेष बात बतलाए, नौ नंबर यही कह रहा है। ठीक है, तो कौन सी विशेष बात बतलाए बच्चों, व्यूह रचना, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, आयुधगार। तो कौटिल्य ने सेना की विशिष्ट बात बताई आयुधगार, आयुधगार जो है वो विशेष बात बतलाए। दस नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौटिल्य ने कितने प्रकार के शस्त्रास्त्र बताए, कितने प्रकार के शस्त्रास्त्र कौटिल्य ने बताए, वही तो पूछ रहा है कितने प्रकार के शस्त्रास्त्र जो है कौटिल्य ने बताए, बताइए। तो ये जो होगा बच्चों, कितने प्रकार के कौटिल्य शस्त्रास्त्र बताए थे, 12, 17, 23, 15। तो कितने प्रकार के शस्त्रास्त्र चलाना बताए थे, वो 23 होगा, 23 जो होगा वो उतने ही प्रकार के शस्त्रास्त्र चलाना बताए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में युद्ध संचालन हेतु किसकी आवश्यकता होती थी, युद्ध का संचालन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती थी, युद्ध की नीति पर चल के और युद्ध जीता जा सकता था, वो कौन सी नीति थी, उसका संचालन कौन करता था, यही पूछ रहा। ठीक है, यही पूछ रहा, कौन संचालन करता था, युद्ध समिति, सैन्य समिति, राज्य समिति, प्रशिक्षण समिति। 11 नंबर जो है क्या होगा बताइए, तो वो था बच्चों युद्ध समिति, युद्ध समिति जो थी युद्ध का संचालन किया करती थी, युद्ध समिति, युद्ध समिति युद्ध का संचालन किया करती, सिंपल है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, सम्राट चंद्रगुप्त के पास पैदल सेना कितनी थी, पैदल सेना कितनी थी, यही पूछ रहा है। चंद्रगुप्त के बाद पैदल, चंद्रगुप्त ऐसा सम्राट था बच्चों जो पूरे उत्तर भारत को पैदल सेना बहुत बड़ी रखता था, और पूरे उत्तर भारत को कौटिल्य ऐसा लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा कौटिल्य ने लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त जो है पूरी अपनी सेना को लेके उत्तर भारत को रौंद दिया था वो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो है कितनी सेना हुआ करती थी, 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख, बहुत विशाल सेना थी उसकी, पूरे उत्तर भारत को रौंद डाला था वो अपनी सेना को लेके, ठीक है। सम्राट चंद्रगुप्त पैदल सेना, पैदल सेना जो थी सोच लीजिए कितनी थी उसकी, तो 6 लाख सैनिक थे बच्चों, कितने थे, 6 लाख चंद्रगुप्त के पैदल सैनिक हुआ करते थे, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है, कितने प्रकार के दुर्ग का वर्णन अपने लेख में, अपनी किताब में, अपने रिटेन द्वारा किए हुए हैं, कौन, कौटिल्य, 4 प्रकार, 9 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार, बताइए। 13 नंबर जो है क्या होगा, वो जो हो जाएगा बच्चों, 4 प्रकार की कौटिल्य ने दुर्गों का वर्णन किया है, 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है, सभी दुर्ग का अलग अलग भाग में विभाग करके और उसके बारे में लिखे हुए। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के व्यूह का निर्माण किया है, व्यूह मतलब युद्ध में जो व्यूह बनाए जाते थे, वो कितने प्रकार के व्यूह का कौटिल्य ने अपने वर्णन किया है, यही पूछ रहा है। 20 प्रकार, 6 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार, कितने प्रकार के व्यूह का वर्णन किए हैं, 4 प्रकार, कितने प्रकार का व्यूह का वर्णन किए हैं, 4 टाइप्स। आगे देखिए, कौटिल्य का पितृ प्रदत्त नाम था क्या, विष्णुगुप्त, चाणक्य, देवव्रत, विष्णु धर्म, बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, मैंने आप लोगों को करा चुका है, तो विष्णुगुप्त नाम था, आगे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त था, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे हुए थे, सारे कौटिल्य से ही संबंधित है ये क्वेश्चन, ये भी ध्यान दीजिएगा। कौटिल्य जो है किस प्रकार, कौटिल्य जो है वो कह रहा है कि कौटिल्य
का पितृप्रदत्त नाम था विष्णुगुप्त पांड्य। कौटिल्य किस विषय का आचार्य था? अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विराम, मनोविज्ञान। किस विषय का आचार्य थे कौटिल्य? तो वो थे बच्चों राजनीति। राजनीति जो है इसके आचार्य थे वो, पॉलिटिक्स। बहुत सारी पुस्तक भी लिखे हैं अपने पर, और ये इसी के अंतर्गत अर्थशास्त्र भी लिखे हैं वो। अर्थशास्त्र जो है विष्णुगुप्त द्वारा लिखी पुस्तक कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए। कौटिल्य द्वारा वर्णित प्रकाश युद्ध का आशय है। प्रकाश युद्ध का वर्णन किए हैं कौन जी? कौटिल्य। समझे बच्चों, कौटिल्य जो है कौन का वर्णन किए हैं? प्रकाश युद्ध का। वो प्रकाश युद्ध का आशय क्या है, उसका अस्पष्ट वर्णन क्या है, यही कह रहा है। अस्पष्ट वर्णन करना है कि अस्पष्ट वर्णन जो है प्रकाश युद्ध का आशय कह क्या रहा है। तो ये जो है दिन में लड़े जाने वाले युद्ध से, बी अघोषित युद्ध से, सी समय व देश निश्चित दिए जाने वाले युद्ध से, कि संघर्षपूर्ण युद्ध से। बताइए 17 नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन, समय व देश निश्चित दिए जाने वाले युद्ध से जो है कौटिल्य प्रकाश युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रकाश युद्ध का वर्णन किससे मिलता है? समय व देश दिए जाने वाले युद्ध से जो है किसका वर्णन मिलता है? प्रकाश युद्ध का। अब देखिए बच्चों यूनिट थर्ड, क्या यूनिट थर्ड देखते हैं हम लोग बच्चों। यूनिट थर्ड में क्या कह रहा है? ठीक है, यूनिट थर्ड जो है वो है क्या? ठीक है, ये पार्ट वन सेमेस्टर सेकेंड का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सैन्य अध्ययन। इसके अंतर्गत यूनिट थर्ड देखते हैं बच्चों। पीडीएफ फाइल इसका दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए यूनिट थर्ड में क्या क्या रहा है बच्चों। इसी तरह हम लोग आपको जो है अच्छा क्वेश्चन इसी तरह बताते रहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वीवीआई है आप लोगों के लिए, क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब अलग से लेके आए हुए हैं, बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन का कलेक्शन, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन। तो देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। देखिए यूनिट थर्ड में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुप्त काल का समय कब तक माना जाता है? गुप्त काल का समय जो है बच्चों वो कब से कब तक माना जाता है? पहले मैंने वीडियो में बता दिया है ये क्वेश्चन, देखिए फिर बता देता हूँ। 600 बीसी से 185 बीसी तक। बीसी का मैंने पहले भी वर्णन किया हुआ है बच्चों, बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, जो बच्चे देख रहे होंगे अभी उनके लिए है, पहले जो वीडियो देख चुके हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, अब जो देख रहे हैं उनके लिए है कि बिसो बिफोर ऑफ जीसस क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसवी, और ठीक है ईसा पूर्व, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय है उनको बिफोर बिफोर बीसी का मतलब बिफोर ऑफ जीसस क्रिस्ट, जो पहले हो चुका है ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। 600 बीसी से 185 बीसी तक, 1850 बीसी से 550 एडी तक, 168 बीसी से 378 एडी तक, 1500 बीसी से 600 बीसी तक। बताइए गुप्त काल का समय जो है कब तक माना जाता है? बताइए, ये जो होगा बच्चों 1850 बीसी से 550 एडी तक, एनो डोमिनी। एडी का मतलब एनो डोमिनी भी होता है। ठीक है, 1850 बीसी से 550 बीसी तक जो है गुप्त काल का समय माना जाता है। 1850 से 550 एडी। आगे चलिए देखते हैं, तराइन का प्रथम संग्राम कब लड़ा गया? तराइन का जो है प्रथम संग्राम जो था वो कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में, 1191 ईसा ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1191 ईस्वी में जो है तराइन का प्रथम संग्राम लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम संग्राम लड़ा गया था। देखिए कब लड़ा गया था बच्चों? 1191 में, और किसके किसके बीच लड़ा गया था?
मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विजयी कब हुआ? विजयी क्या कौन हुआ? इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। पृथ्वीराज चौहान वो विजय हुए। विजय कौन हुए? पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है हार हुई। किसकी? मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी की हार हुई। ठीक है, प्रथम युद्ध में, इसमें प्रथम युद्ध। ठीक है, इसी तरह जो है द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया था। कब लड़ा गया था वो बच्चों? 1192 में। 1192 में जो है लड़ा गया था। इसमें कौन जीता था? इसमें जो है मोहम्मद गोरी जीता था। कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था। इसमें मोहम्मद गोरी जीता था और उसकी विजय हुई थी। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे 1192 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। प्रथम संग्राम कब लड़ा गया था? 1192। अब देखिए द्वितीय संग्राम भी आ गया बच्चों, वो कब लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय संग्राम कब हुआ? 326 ईसा पूर्व, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1526 ईस्वी। देखिएगा इसमें ईस्वी दिया हुआ है, तो 1192 ईस्वी में द्वितीय संग्राम हुआ था। आगे देखिए, तराइन के प्रथम संग्रामों के दोनों पक्षों के सेनापतियों के नाम बताइए। जो क्वेश्चन बताएं वो आ गया। पोरस तथा सिकंदर, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान, इब्राहिम लोदी और बाबर, राणा प्रताप तथा अकबर। तो दोनों पक्ष के संग्रामों के सेनापतियों का नाम जो है मोहम्मद गोरी और कौन था? पृथ्वीराज चौहान। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजपूतों का संगठन किस प्रथा पर आधारित था? राजपूतों का जो संगठन था बच्चों वो किस प्रथा पर था? यही कह रहा है ना, राज्य प्रथा, जागीदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, सैन्य प्रथा। प्रथा के अंतर्गत उस समय संगठन चला करता था, बहुत सारी प्रथाएं हुआ करती थी उस समय। ठीक है, उसी के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत हुआ करता था, प्रथाओं के अंतर्गत। ठीक है, राज्य प्रथा था कि जागीरदारी प्रथा थी, कि जमींदारी प्रथा था, कि सैन्य प्रथा था, बताइए। 5 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या होगा? वो था जागीरदारी प्रथा पर जो है राजपूतों का संगठन चला करता था। कौन प्रथा पर? जागीरदारी प्रथा पर बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, तराइन का पहला युद्ध जो है किस सन में हुआ? फिर वही क्वेश्चन, पहला युद्ध पूछ रहा है बच्चों। 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में, 1166 ईस्वी में, 1112 ईस्वी में। ये गलत है, इसमें कोई होगा ही नहीं। तो इसमें होगा बच्चों 1191 ईस्वी में जो है तराइन का प्रथम युद्ध होगा। ठीक है, इसको सुधार कर लेंगे हम लोग, 1191 ईस्वी होगा, कि इसी में तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब लड़ा गया था? वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिए, तराइन का दूसरा युद्ध पूछ रहा है। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, किस सन में हुआ था? इसमें जो है पहले युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, इसमें जो है मोहम्मद गोरी क्या हुआ? पराजित हुआ प्रथम युद्ध में। और द्वितीय युद्ध में ये हुआ बच्चों कि पृथ्वीराज पराजित हुआ, मोहम्मद गोरी जीत गया। ठीक है, तो ये रहा तराइन का दूसरा युद्ध 1179 ईस्वी में, 1185 ईस्वी में, 1195 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में। तो ये 1192 ईस्वी में जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, किलों तथा घेराबंदी का निर्माण किस कारण से किया जाता था? किले और घेराबंदी का निर्माण किस कारण से किया जाता था? थोड़ा समझ लीजिए, किला दुर्ग जो होता था, जब राजा मैदान में लड़ा करता था और पराजित होने लगता था तो किले के अंदर भाग जाता था, और किले को भेदना बहुत मुश्किल काम होता था। उस समय गज सेना लगाया जाता था। कौन सेना? गज सेना। गज
सेना, हाथियों की सेना थी, वो किले की भेदने का काम करते थे, किले भेदना किसका काम हुआ करता था, हाथियों का, हाथियों का क्या काम हुआ करता था, किले को भेदना। ठीक है, तो ये था किले तथा घेराबंदी का निर्माण किस कारण से किया जाता था, सुरक्षात्मक पहल से, अस्त्र शस्त्र निर्माण के लिए, सैनिकों पर अधिकार के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, किलों की घेराबंदी होते थे, सैनिक लगे रहते थे उस समय, तो उसमें क्या था, किस कारण से घेराबंदी हुई की जाती थी किलों की, बताइए। तो ये होगा बच्चों सुरक्षात्मक पहल से, उसमें किले की सुरक्षा के लिए जो है उसे घेराबंदी करके रखा जाता था, जैसे घर की सुरक्षा के लिए गार्ड रहते हैं ना, वीआईपी की सुरक्षा के लिए घेरा सुरक्षा बना लेते हैं ना, वीआईपी के उतरते वीआईपी के कहीं जाते हुए, तो उसी तरह किले की सुरक्षा रहती थी आदमी की तरह, और उसी तरह जो है किले की घर की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक पहल से जो है किले की घेराबंदी की जाती थी। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नौ नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए कि राजपूत सेना में मुख्य दोष क्या पाया जाता था, गुण और दोष दोनों होते हैं हर चीज में बच्चों, तो दोष क्या था राजपूत सेना में, वही तो देखना है हम लोग, दोष क्या थे, तो वो दोष थे बच्चों कौन, स्वामी भक्ति का दोष, वीरता व दोष, नेतृत्व का दोष, पराक्रम की अधिकता। तो नेतृत्व सही नहीं था बच्चों, राजपूत सेना का मुख्य दोष क्या था, नेतृत्व उनकी अच्छी नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर, मोहम्मद गोरी के पास किस प्रकार के सैनिक की कमी थी, वो कौन से प्रकार के सैनिक जो थे वो मोहम्मद गोरी के पास नहीं थे, वो सैनिक की कमी थी मोहम्मद गोरी के पास, वो कौन से प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, ये कौन से सैनिक थे, पराक्रमी सैनिक, कुशल सैनिक, वीर सैनिक, प्रशिक्षित सैनिक। तो वीर सैनिक जो थे वो मोहम्मद गोरी के नहीं थे, वीर सैनिक नहीं हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के, तभी तो वो पहला युद्ध हार गया, नेतृत्व तो सही नहीं था। अब देखिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि तराइन जो है, तराइन का युद्ध, दूसरे युद्ध में राजपूतों की हार का मुख्य कारण क्या था, तराइन के दूसरे युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व तो सही नहीं था, अभी मैंने पढ़ा है कि मुख्य दोष क्या था, नेतृत्व सारे राजपूत बिखर चुके थे, यूनिटी नहीं थी उन लोगों में, क्या थी, यूनिटी नहीं थी, यूनिटी की कमी थी, इसी के वजह से द्वितीय युद्ध तराइन का मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज हार गया, और पहले में सब राजा मिलकर लड़े हुए थे मोहम्मद गोरी से, द्वितीय में फुटमत होगी हार गया। अब देखिए क्या थी, कि संगठन की कमी थी, कि सैन्य व्यवस्था की कमी थी, कि प्रशिक्षण शिविरों की कमी थी, घुड़सवार की कमी थी, बताइए क्या होगा। 11 नंबर जो होगा बच्चों, संगठन सही, संगठन नहीं था, संगठनात्मक रूप सही नहीं था, इसीलिए युद्ध में राजपूत की हार हुई। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, राजपूतों के मुख्य हथियार कौन से थे, मुख्य हथियार जो हुआ करते थे उसी से युद्ध वो जीता करते थे, वो कौन से मुख्य हथियार थे, बताइए राजपूतों के मुख्य हथियार कौन से थे, तीर कमान, तलवार तथा भाले, बल्लभ तथा छुरे, कटार तथा कृपाण। राजपूत तलवार चलाने में सक्षम थे, तो तलवार और भाले उनके मुख्य जो है क्या थे, हथियार हुआ करते थे, मुख्य हथियार क्या था, तलवार और भाले। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की सेना के प्रकार थे, दिल्ली सल्तनत के सेना के प्रकार थे क्या, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत काल पढ़े हैं ना, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की सेना का प्रकार पूछ रहा है, उसकी सेना के प्रकार कैसे थे, तीन थी, चार थी, पांच थी, छह थी, बताइए। 13 नंबर जो है, दिल्ली सल्तनत की सेना के प्रकार कैसे, के सेना के प्रकार थे, तीन थे। जो नहीं समझ में आएगा घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल्स में अलग से वीडियो बना के उसको डाल दूंगा। ठीक है, कोई समझ में नहीं आएगा थोड़ी सी भी नहीं घबराइएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो क्वेश्चन कहीं डाउटफुल लगेगा उसको आप लोग को अलग से वीडियो मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की सेना का तीसरा अंग था कौन, घुड़सवार,
गज सेना, पैदल सेना, ये सभी। अरे 14 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों कि सल्तनत का तीसरा अंग था घुड़सवार। घुड़सवार को मुख्य रूप से रखा करते थे सभी राजा, तो तीसरा अंग जो था वो कौन था? घुड़सवार था। आगे देखिए 15 नंबर, सल्तनत कालीन सेना की सबसे छोटी इकाई में कितने घुड़सवार सैनिक थे? सल्तनत कालीन जो सेना थी उसके घुड़सवार में कितने सैनिक हुआ करते थे? यही पूछ रहा ना बच्चों कि सल्तनत कालीन सेना में जो है घुड़सवार हुआ करते थे उसमें कितने सैनिक हुआ करते थे? यही है ना कि सल्तनत कालीन सेना में कितने घुड़सवार हुआ करते थे, कितने घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, यही है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 थे, 8 थे, 9 थे, 10 थे। तो 10 थे बच्चों, कितने थे? 10 थे। सल्तनत कालीन सेना में 10 घुड़सवार हुआ करते थे, ठीक है, 10 घुड़सवार थे सल्तनत कालीन सेना में। कितने घुड़सवार थे? 10, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर, दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की इकाई क्या थी? दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की इकाई जो थी वो बच्चों वो क्या थी? यही पूछ रहा ना, दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन जो थी उसकी इकाई किस प्रकार हुआ करती थी? यही है ना, तो देखिए किस प्रकार हुआ करती थी बच्चों, दिल्ली सल्तनत जो थी वो किस प्रकार उसकी सैन्य संगठन की इकाई थी, आइए देखते हैं। 2 घुड़सवार सैनिक, 10 घुड़सवार सैनिक, 100 घुड़सवार सैनिक, अमीर मुमालिक, बताइए। 16 नंबर जो है बच्चों क्या होगा बताइए, कि दिल्ली सल्तनत की जो इकाई हुआ करती थी वो किस प्रकार हुआ करती थी? 16 नंबर का जो हो जाएगा बच्चों, 10 घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। कितने घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे? 10 घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कितने घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे? 10 घुड़सवार सैनिक, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत काल कब से स्टार्ट हुई थी बच्चों? ये 1206 से स्टार्ट हुई थी, 1206 से स्टार्ट हुई बच्चों। इसमें गुलाम मंसूआ, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से राजा आए? बहुत सारे राजा आए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। सल्तनत काल में ही अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक सभी जो है सल्तनत कालीन के अंतर्गत ही आए थे, ठीक है बच्चों। तो ये जो है दिल्ली सल्तनत जो था बहुत समय तक चला। अब जो है दिल्ली सल्तनत में 10 घुड़सवार सैनिक। तराइन की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई? किस नदी के तट पर जो है तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी? यही पूछ रहा है ना कि तराइन की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? सरस्वती, यमुना, बेतवा, ताप्ती। तो ये था बच्चों सरस्वती नदी के तट पर तराइन की लड़ाई लड़ी गई। अब देखिए जौहर प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ? महिलाएं जौहर करती थी, पति के मरा जाने के बाद, पति के डेथ हो जाने के बाद महिलाएं जौहर करती थी, ठीक है, आग में कूद जाती थी, सती हो जाती थी, ठीक है। तो वही जौहर प्रथा का प्रचलन जो है किस काल में ज्यादा था, किस काल में हुआ था, ठीक है, जौहर प्रथा का प्रचलन? मुगल काल में, राजपूत काल में, मराठा काल में, वैदिक काल। राजपूत काल में जो है मराठा सेना जो हुआ करती थी राजपूत काल में, उसी समय जौहर प्रथा अपने चरम पर थी, ठीक है। राजपूतों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? सहयोग, एकता, आपसी फूट, वीरता। यूनिटी जब नहीं रहेगी बच्चों तो कितना भी बड़ा संगठन रहेगा वो बिखर जाएगा, ठीक है। तो राजपूतों के पतन का मुख्य कारण जो था वो बच्चों आपसी फूट, आपस में बिखर चुके थे और इस कारण दूसरा सेंध लगा लिया और वो खत्म हो गए, ठीक है। भारत का हेस्टिंग्स किस लड़ाई को कहा जाता है? भारत का हेस्टिंग्स जो बोला जाता है वो कौन सी लड़ाई को बोला जाता है? यही तो पूछ रहा है, झेलम की लड़ाई को, महाभारत की लड़ाई को, तराइन के संग्राम को, हल्दी घाटी की लड़ाई को, बताइए। इस नंबर जो है बच्चों महाभारत की लड़ाई को हेस्टिंग्स का संग्राम बोला जाता है। किसका संग्राम बोला जाता है? हेस्टिंग्स का संग्राम महाभारत की लड़ाई को बोला जाता है।
महाभारत की लड़ाई को जो है हेस्टिंग्स का संग्राम बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने वीडियो कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।